De hata utere pas, pra pui xume re masi, mere papum ke liei, utar de te masi. अरे प्रभु प्रभ यीशु मसीह जी अब सभी को आशीष दे जगत में शुरुआत हैं और अंत भी हैं बाइबल का परमेश्वर वो ही जगत को शुरू करने वाले सृजनहार है और जगत का न्याय करने वाले न्यायी है इसलिए बाइबल में उस परमेश्वर को यूनानी भाषा में अल्फ़ा और ओमेगा कहते हैं अगर हिंदी में अनुवाद करें तो परमेश्वर आदि और अंत हैं मनुष्य जीवन में शुरुआत से ज़्यादा अंत को सचमुच में सुंदर बनना है बाइबल के अंदर और मनुष्य के इतिहास में सबसे बुद्धिमान आदमी सुलेमान था जब ये यहुआ परमेश्वर का भय मानता था तो बहुपुद्तिमान था लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना छोड़ दिया इसने, तो मूर्ति पूजा बन गया और सबसे मूर्ख बन गया और उसका देश नाश हो गया प्रभु यीशु मसीह के बारह चेलों में से एक था इसका युति बाद में वो पैसों से प्यार करके अपने स्वामी प्रभु यीशु मसीह को बेच डाला और इसको इससे पछताया और आत्यमहत्या कर दी और उसका जीवन बिल्कुल नाश हो गया हम प्रार्थना करते रहे कि हमारे जीवन अंत तक पवित्र और सुंदर हो जो अपने जीवन के अंत को ताकते हैं और जगत के अंत को लाने वाला न्याय पर मिश्र का भया मानते हैं वे पापों से अपने को अशुद्ध नहीं करते हैं इस पृथ्वी पर रहते हुए आने वाले जगत के अंत को ताकते हैं और धार्मिकता पवित्रता और अनंत जीवन की राह पर चलते रहते हैं बाइबल हमें सिखाती है कि जगत के अंत आने वाला है वंस एंड फॉर एवर एंड बार अंत सदा का अंत है दोबारा छांस नहीं मिलेगा इसलिए ये मेरी विनती है कि आप इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के संत के रूप में परमेश्वर का भय मानने वाले भक्त के रूप में जीवन जिए और आने वाले अपने जीवन का अंत या इस जगत के अंत को आप देखें और परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले ऐसे धन्य जीवन जिये इवे आज के वचन माती राचि सुसमाचार चौबीस अध्याय तीन से लेकर आठ तक और जब वह यानि प्रभु यीशु चैतन पहाड़ पर बैठा था तो चलो ने अलग उसके पास आकर कहा हमसे कहा कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा यीशु ने उनको उत्तर दिया सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूँ और बहुतों को भरमाएंगे तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे देखो घबरा न जाना क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा क्योंकि जाति पर जाति or rajapura rajya charahi garoega or juga juga akal honge. or buhindol hongi yesabadhi ka arambu hongi book of matthew chapter 24 verses 3 to 8 as jesus was sitting on the mount of olives the disciples came to him privately Tell us, they said, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Jesus answered, Watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming, I am the Christ, and will deceive many. You will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed such things must happen but the end is still to come nation will rise against nation and kingdom against kingdom there will be famines and earthquakes in various places all these are the beginning of birth pains Point one. the end एज मनुष्य जीवन में अंत को जानना बुद्धि पुति है अगर आज आप अपने जीवन के अंत के बारे में जानते हैं तो क्या आप अपनी मॉडल से जिएंगे इसलिए जगत के अंत को जानना याद करना मुक्ति से संबंधित है आज के बच्चों में यह बताते हैं जगत के अंत और प्रभु यीशु के दूसरे आगमन बिल्कुल संबंध में है आज के तीसरे पद में प्रभु यशु के चहलों ने इसके बारे में प्रश्न किया है ये बातें कब होंगी तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चेहन होगा इन्होंने जोड़ दिया ना तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा English me, when will this happen, and what will be the sign of your coming and of the end of the age? Bible ke anushar, propa Ishu ke argument, ka janam, wasta me antim dinon ka Or hai, aur propa Ishu ke dusre argument, dobara aana, antim dinon ka ante hai. Ibraniyon ki kitab, Pele Adia एक से लेके दो पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भंती भंती से भविष्य तकताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की Usne Sari Sari English Hebrews chapter one, verses one to two. In the past, God spoke to our forefathers through the prophets at many times and in various ways. But in these last days, but in these last days, He has spoken to us by His Son.

प्रभु जी ने खुद कहा था माती चौबीस अध्याय चालीस से लेके बयालीस में उस समय दो जन खेत में होंगे एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा दो स्त्रियाँ चक्की पीसती रहेंगी एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी इसलिए जागते रहो इसलिए जागते रहो देव वॉच क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा बिकॉज यू डू नो और वात योर कम जगत के अंत में फिर से वापस आने वाले हमारे मुक्तिदाता प्रभु ईश्वर की प्रतीक्षा में हम जागृत हो जाएं, इमेन आज के वचन का पॉइंट ईश मसीहा ही को ताकते आवर आयस ऑन आंचीस on जगत के अंत में अनेक छूटे मसीहा प्रकट होंगे और लोगों को भरमाएंगे प्रभु यीशु जी ने इस तरह भविष्यवाणी की इसका मतलब क्या है मतलब ये है कि शैतान इस तरह धोखा देके मनुष्य को सदा के लिए नाश होने के लिए तो कार्य करने वाला है प्रप ईश्मसी जीवन है अगर आपके दिल में प्रप ईश्म नहीं है तो आपके पास जीवन नहीं है अगर आपके दिल में प्रप ईशमसी है तो आपके पास अनंत जीवन है इसलिए जगत के अंत में हमें क्या करना है बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर दृष्टि लगाना है झूठ से धोखा मत खाएं वरन परमेश्वर के सत्य वचन को ठीक से जानते हुए प्रभु यीशु मसीह को ठीक से जानते हुए प्रभु यीशु के पीछे पीछे चरना यही है इसलिए मैं भी प्रचारक होने के नाते जो बाइबल बताती है प्रभु ईशु मसीह के बारे में ठीक से बातने के लिए प्रयास करके आ रहा हूं ऊपर वाला परमेश्वर को मानना काफी नहीं है प्रभु ईशु मसीह को जिसने परमेश्वर ने हमारे लिए भेजा है प्रभु ईशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में और मुक्तिदाता के रूप में मानना बहुत जरूरी है प्रभु ईश्वर ने इसलिए कहा था अनंत जीवन क्या है अनंत जीवन यह कि मनुष्य परमेश्वर को जाने और उसके भेजे हुए प्रभु ईशुमासी को जाने क्योंकि प्रभु ईशुमासी ही परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र बिजवाई हैं मध्यस्थ हैं अगर आप पर के दर्शन पाना चाहते हैं पर के पास जाना चाहते हैं तो प्रीशम से ही वही मार्ग है हिंदू धर्म की समस्या ये है कि उन्होंने अनेक रास्तों को मार्गों को बना दिया है और इस्लाम धर्म की समस्या है ये है कि यह तो प्रभु यीशु को नाविक के रूप में तो आदर आदर देते हैं लेकिन परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं मानते हैं और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एकमात्र पिछुआई के रूप में या पाप के के रूप में नहीं मानते हैं प्रभु ईश्वर के आने के बाद दो हजार से ज़्यादा के समय में संसार के लोग लगातार प्रभु ईश्व को मिटाने के लिए कोशिश करके आ रहे हैं मतलब ये कि शैतान अनेक झूठे मसीहा को खड़े करके लोगों को भरमा के आ रहे हैं अनेक लोग या ज्ञानी लोग या पिक ग्रुप्स संस्था और धर्म के लोग नहीं मानते हैं कि प्रभु ईश्वर से ही एक मत भी हैं उनकी महिमा को नहीं मानते हैं लेकिन प्रभु मसीह को जो बाइबल बताती हैं अगर नहीं मानते हैं या प्रभु यीशु को बदल के बदल डालते हैं तो वे नाश हो जाएंगे आज के बच्चे बताते हैं अंतिम दिनों में शैतान वास्तव में भरमाते हैं कि लोग प्रभु यीशु को नहीं माने या गलत तो तरीके से माने दूसरे आदमी को प्रभु यीशु समझ के माने इसलिए हमें स्पष्ट हो जाता है कि अंतिम दिनों में हमें क्या करना है हमें बाइबल के द्वारा प्रभु मसीह को गहराई से जानना है और प्रभु यीशु ही को ताकते रहना है संपूर्ण हृदय से प्रभु ईश्वर पर विश्वास करें और प्रभु ईश्वर से प्रेम करें और प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलें लेदस फिक्स आईज आय चीज क्योंकि प्रभु ईश्वर से ही परमेश्वर तक पहुंचाने वाले एकमात्र मार्ग हैं इसलिए प्रभु ईश्वर ने कहा था कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता नो no वन comes टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड द लाइफ आज के पॉइंट थ्री निडर होके जगत के अंत को देखें फ्यूल इसली वॉच दी एंड ऑफ द वर्ल्ड अंतिम दिनों में क्या चिन्ह होगा इसके बारे में प्रपीश के चेलों ने प्रश्न किया था तो प्रपीश जी ने कहा कि लड़ाइयाँ होंगी लड़ाइयों का खबर होगा और जाति के ऊपर जाति और राज्य के ऊपर राज्य बिल्कुल चढ़ाई करेंगी और आकल पड़ेंगे और भूकंप आ जाएंगे आजकल भी देखिएगा यूक्रेन में जो लड़ाई हो रहे हैं उसके द्वारा कितने लोगों के जान चले गए हैं और कितने दुख पहुंचा। मनुष्य के इतिहास में अनगिनत जो लड़ाइयाँ होके आ रही हैं और आगे जाके भी होंगी इस जगत में अनगिनत तो भूकंप होते रहे हैं और आकल पड़ रहे हैं नॉर्थ कोरिया में उन्नीस सौ से लेके उन्नीस सौ तक बहुत भयंकर अकल पड़ा सुनने में आता है कि लोगों ने तो मरे हुए आदमी के मांस भी खा लिया है अंतिम दिनों के इन चिन्हों को सामने रखते हुए हमारे मन में क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए इसके बारे में प्रापू ने आज कहा कि देखो घबरा न जाना नॉ भी अलाम्द परमेश्वर पर विश्वास करके निर्दर होके रहना ये अंतिम दिनों के विश्वास का मनोवृत्ति है यशया की किताब इकतालीस अध्याय दसवें पद में परमेश्वर ने कहा कि मत दर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ Isaiah 4110 God says, “So do not fear for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. इसलिए जान लें कि इन सारे जब विपत्तियाँ आने वाले जो अंत के शुरुआत है पीराओं का शुरुआत है पांचवीं और छठवीं में आठवीं छठवीं और आठवीं में इस तरह लिखा है कि क्योंकि इनका होना अवश्य है परंतु उस समय अंत न होगा और आठवीं में ये सब बातें पीराओं का आरंभ होंगी अंतिम दिनों के अंदर तो बहुत अनेक के पीरा तो आती रहेगी इसलिए कौन सा इस इन अंतिम दिनों में विजयी पा सकते हैं सिर्फ़ वे लोग जो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए स्वर्ग में आश रखने वाले और हमारे सामर्थ्य स्रोत और हमारा रक्षक परमेश्वर पर भरोसा पर रखने वाले वे ही विजय पा सकते हैं प्रभुषि ने हमें कहा था कि हम पैसे और परमेश्वर दोनों की पूजा नहीं कर सकते हैं और याकूब की किताब पांचवें आधार तीसरे पद में इसराइल कहा कि तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है मतलब अंतिम दिनों में धन बटोरते हुए धन के अंदर अपनी आशा रखने वाले धन लोगों के विरोध में चेतावनी दी है जेम्स फाइव थ्री यू हैव हो वेल्थ द लास्ट डेज़ अभी आज के बच्चों से स्पष्ट हो गया अंतिम दिनों में हमें क्या करना है डोंट ग्रो मोनी इन द लास्ट डेज़ बट ग्रो योर फेथ अंत के दिनों में पैसा मत बढ़ाए परंतु आपका विश्वास बढ़ाए आज के उपदेश का निश्चय है जगत के अंत को देखते हुए जिये लीव वाचिंग एंड ऑफ द वर्ल्ड अगर आपके पास सिर्फ़ रहने के लिए तीन दिन और हैं आप क्या करेंगे काफी लोग अलग तरीके से सोच सकते हैं मैंने सोचा कि अगर मेरे को सिर्फ तीन दिन दिया जाता है और रहने के लिए बस मैं क्या करता हूँ पहले दिन मैं अपने परिवारों से दोस्तों से लोगों से मिल मिलूँगा और आ, उनसे विदा करूँगा धन्यवाद कहूँगा तो उनको बोलूँगा मैं उनसे प्रेम करता हूँ या अगर किसी को बोलना है तो सॉरी भी बोलना चाहूँगा दिन दो जहाँ जहाँ मैं चाहता था मैं देश से भी वातावरण से भी मैं विदा करना चाहूँगा और बिल्कुल सुनसान जो मैं यात्रा करते हुए तो अपने को तैयार करता रहूँगा दिन तीन अपने जीवन को मोड़ के देख के जो जो अनुग्रह और आशीष परमेश्वर ने मेरे जीवन के कदम कदम में दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद करता रहूँगा और परमेश्वर की आराधना करूँगा और उनकी प्रशंसा स्तुति करते हुए मेरे अंतिम दिन की प्रतीक्षा मैं करूँगा इन तीनों के बारे में इन तीनों को कैसे तीन तीन दिनों को कैसे व्यतीत करना है इसके बारे में तो हर व्यक्ति के अलग अलग जो योजना हो सकती हैं लेकिन स्पष्ट बात यह है कि जो अंत को देखते हैं उनको स्पष्ट हो जाता है जीवन में क्या बहुमूल्य हैं और जीवन जीने में प्राथमिकता क्या होनी चाहिए ये स्पष्ट हो जाती है आज के बचन को हम फिर से बच्चन के जो पॉइंट को थोड़ा सा याद करें पॉइंट वन जगत का अंत आने वाला है द एंड ऑफ द एज इज कमिंग कब जब प्रभु यीशु वापस आएंगे व्हेन द लॉर्ड जीसस रिटर्न्स देन द एंड विल कम इसलिए इस सच्चाई को जानते हुए क्या करना है वॉट शुड यू डू आफ्टर नोइंग दिस ट्रूथ ईश्व मसीही को ताकते रहना है We should फिक्स our eyes ऑन on Jesus only. क्योंकि प्रभु ईश्व मसी ही परमेश्वर के पास पहुंचने वाले तो विचवाही हैं प्रभु के बिना कोई आशा नहीं कोई पाप क्षमा नहीं कोई मुक्ति नहीं कोई शांति नहीं कोई परमेश्वर का दर्शन नहीं पॉइंट थ्री जो प्रोफेशन पर विश्वास करते हैं प्रोफेशन को ताकते हैं तो वे लोग कैसे जी सकते हैं वे निडर हो जगत के अंत को देख सकते हैं दे कैन वॉच द एंड ऑफ द वर्ल्ड इसली दैट मीन्स दे विल बी विक्टोरियस इसका मतलब ये है कि वे सच में विजय पाएंगे योई के बिल्कुल गंभीरता की लड़ाई को देख के आपको क्या शिक्षा मिल जाती है मेरे को ये लगता है कि उनके लिए स्वतंत्रता और जीवन से और उत्तम बात नहीं है पूरे देश के सत्यानाश देश का अंत उनको दिखाई दे रहे हैं इसलिए अपने देश को जाति को स्वतंत्रता को जीवाणों को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है नाराई मैदान में है ये जगत इसका अंत होने वाला है इसलिए हमें क्या करना है हमें कैसे जीवन जीना है हाउ शेव यू लीव एट ऑफ दिस एज हमें बहुत गंभीरता में रहना है दुश्मन के आक्रमण की वजह से मिलने वाले इस जो अंत के संभावना की गंभीरता से ज़्यादा जगत के अंत के आने के गंभीरता हमें होनी चाहिए इससे पहले कि प्रभु ईशु वापस आए और लोगों का न्याय करें अब प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करें और ईश पर विश्वास करें और ईश को ताकते रहें तो आप चाहे बीमारी हो चाहे लड़ाई हो चाहे आकार हो चाहे भूकंप हो कोई भी गंभीरता की जो पीड़ाएं क्यों ना हो उनमें आप निर्दर हो के जगत तो के अंत को देख के आप विश्वास के जीवन जी पाएंगे और तो के अंत में जब प्रभु वापस आते हैं तो अब उनके गोद में जाएंगे हालेलुया हमें कैसे जीना है इस अंतिम दिनों में ये हमेशा गंभीर सवाल होते हैं ये हमको जागृत करते हैं पहले पत्रास अध्याय चार और सात से आठवीं में इस तरह पत्रास ने भी हमें आज्ञा दी है सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचित रहूं और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है अंतिम दिनों में हम प्रार्थना करने वाले बन जाएं, अंतिम दिनों में हम सचमुच में दिल से प्रेम करने वाले बन जाएं फर्स्ट फिर चैप्टर फोर सेवन टू एट द एंड ऑफ ऑल थिंग्स इज नियर Therefore, be clear minded and self controlled so that you can pray. Above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Prabhasi Amen.